नमस्ते दोस्तों, आज के नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से हर हफ्ते एक या दो वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आ रहे थे और ख़ासतर अजय सिंह बोल के बिहार से, शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उनका एक कॉमेंट आया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर, आप देख सकते हो। और वो हर एक वीडियो के अंदर कॉमेंट करते हैं कि सर आपके सब्सक्राइबर को भूल गए क्या? तो बिल्कुल नहीं भूला हूँ, आप है इसलिए चैनल है और चैनल की वजह से मैं हूँ। आपको भूलूंगा तो कैसे चलेगा सर, आपने मुझे याद दिला दी उसके लिए शुक्रिया। और आपको आज से इस चैनल के ऊपर आपको हर हफ्ते एक या दो वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि आपको डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना आना चाहिए। अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने नहीं आता है तो आपको एक अकाउंट ओपन करना है, हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक से, और आपको डिमांड सप्लाई का प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही यूनिक कोर्स है दोस्तों, आपको यूट्यूब या किसी वेबसाइट के ऊपर वो कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर भी जाते हो तो भी आपको डिमांड सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं वहाँ पर हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आपकी तरफ मैंने छोड़ दिया, आपको अकाउंट ओपन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर डिमांड सप्लाई की वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है? ओवरबॉट मतलब पूरा भर चुका है और ओवरसोल्ड मतलब पूरा खाली हो चुका है, वो भरने वाला है। ऐसा ही होता है ना, सिंपल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपने कभी इस तरीके से सोचा है कि ये देखो दोस्तों, ये अदानी का चार्ट है और ये डेली का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया, और ये डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो यहां पर आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट का मतलब क्या? भर चुका है, और ओवरसोल्ड का मतलब क्या? खाली हो चुका है, भरने वाला है। ऐसा हो जाता है ना सिंपल तरीके से। तो आरएसआई को देख के अगर आप ट्रेड करते हो तो यहां पर अगर कोई होता था, ओके, यहां पर अगर कोई सर यहां पर कोई ट्रेड लेते थे, ओके, तो यहां पर क्या होता था सर, वो जो सर जी है ना, यहां पर एंट्री किया उन्होंने और यहां पर एग्जिट कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके मन में ये डाउट कि कल गैप डाउन से खुला तो आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है। वैसे ही आरएसआई अगर ओवरसोल्ड हो जाता है ये लेवल के पास, और किसी ने यहां पर, किसी सर ने यहां पर शॉर्ट किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है उनका और उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि कल गैप अप से ओपन हुआ तो फिर क्या करेंगे, वो एग्जिट कर देंगे। तो ऐसी गलती आप लोगों ने की है मुझे मालूम है, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो ऐसी गलती की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक गोल्डन सेंटेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको लिखना है, आपके दिमाग के अंदर छप लेना है उसको। जब भी कभी आरएसआई ओवरबॉट लंबे समय तक रहता है तो वो जो स्टॉक है, वो जो चार्ट है, वो जो इंडेक्स है, कौन सा भी चार्ट हो, वो बहुत ही बुलिश है, उसके अंदर गलती से भी शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेना है। वो लंबे समय तक बुलिश रहने वाला है। कौन से भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हो, एक मिनट भी है, 10 मिनट भी है, या मंथली भी है, कौन सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है। ये बहुत गोल्डन सेंटेंस है दोस्तों, आप गूगल करके देख लो, शायद नहीं मिलेगा। तो आरएसआई अगर ओवरबॉट हो जाता है, इसका मतलब डरना नहीं है, होने दो ओवरबॉट, हम ट्रेंड के अंदर है ना, रहने दो, हम हमारे तरीके से एग्जिट करेंगे, इस तरीके से आपकी सोच होनी चाहिए। तो फिर से याद दिलाता हूँ कि आरएसआई अगर ओवरबॉट हो जाता है और वो लंबे समय तक ऊपर रहता है 70 के ऊपर, तो आपको ये समझना है कि यहाँ से और भी मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अब भी मार्केट ने शुरुआत की है। और दूसरी बात ऐसी है दोस्तों, आरएसआई और प्राइस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मतलब प्राइस के सरी का आरएसआई चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस के सरी का आरएसआई नहीं चल रहा है, मतलब प्राइस जैसे चलेगी वैसे आरएसआई चलेगी। ऐसा क्यों होता है ये सोचा होगा आपने, लेकिन उसका आंसर नहीं मिला होगा, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से वही आंसर देता हूँ। प्राइस अगर 0 है, 1 है, 2 है, 10 है प्राइस की कॉस्ट, तो वो 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, लेकिन आरएसआई के पास 70 का लिमिट है, आरएसआई के पास 30 का लिमिट है, 30 और 70, 80 और 20 अलग अलग चार्ट के हिसाब से सेटिंग बनानी पड़ती है। अगर आप बोलते हो तो वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर वो करेंगे तो हमारा टॉपिक अलग तरफ चला जाएगा और हम दूसरी बात करने लगेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 30 और
30 और 70 एक अलग कैरेक्टर के लिए होता है और 80 और 20 एक अलग कैरेक्टर के लिए होता है, मतलब अलग चार्ट के लिए होता है। जैसे आदमी के दो कैरेक्टर होते हैं, जैसे दो आदमी के दो कैरेक्टर होते हैं ना सर, एक अच्छे कैरेक्टर वाला एक बुरे कैरेक्टर वाला, तो वैसे भी चार्ट के भी दो कैरेक्टर होते हैं और उनके लिए दो टाइप के RSI लगाने पड़ते हैं। तो फिलहाल हम 70 और 30 के ऊपर ही बात करेंगे। तो आपको याद रखना है RSI ओवर बॉट हुआ डरना नहीं है, RSI ओवर सोल्ड हुआ डरना नहीं है, लंबे समय तक रुका इसका मतलब वो ट्रेंड और भी कंटिन्यू होने वाला है, और ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और चलते हैं फिर हम PPT की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से हमें RSI को कौन सी नज़र से देखना चाहिए। चलो फिर चलते हैं और समझते हैं RSI को PPT की तरफ। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये RSI के डाइवर्जन के प्रकार है दोस्तों, निगेटिव क्लासिक डाइवर्जन, पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जन और पॉजिटिव हिडन डाइवर्जन और निगेटिव हिडन डाइवर्जन। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाइवर्जन मालूम होंगे। निगेटिव क्लासिक डाइवर्जन जो होता है दोस्तों ये सबको मालूम है, शायद हिडन पॉजिटिव डाइवर्जन किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जन सबको मालूम है, मुझे मालूम है। तो भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको आगे के पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। ये निगेटिव क्लासिक डाइवर्जन है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। कभी भी क्लासिकल डाइवर्जन जो है वो ट्रेंड के अंदर बनते हैं, आपको ये भी याद रखना है। जो भी डाइवर्जन की बात करेंगे हम ट्रेंड के अंदर करेंगे, साइडवेज मार्केट के अंदर नहीं करेंगे। तो ये डाइवर्जन अप ट्रेंड के अंदर बनता है और पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जन डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पर डाइवर्जन कहाँ पर बनते हैं, डाइवर्जन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर बनते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, डेली का चार्ट देख रहे हैं या किसी और टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, डेली के ऊपर सप्लाई है ना वहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच वाले टाइम फ्रेम के अंदर कुछ और चल रहा होता है दोस्तों और उसको हम इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर ही हमारी गलती हो जाती है दोस्तों। आप क्रॉस चेक कर लेना, आपकी आँखें खुल जाएगी। तो ये मंथली सप्लाई हमने ड्रॉ किया है और इस सप्लाई के बाजू में हमने डेली का चार्ट दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मंथली के चार्ट के ऊपर एक सप्लाई है हमारा, वो हायर टाइम फ्रेम है, उसके बाद हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आपको कभी भी याद रखना है, आपने अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर या किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जोन ड्रॉ किया है, तो उसके नीचे वाले जो टाइम फ्रेम है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, उनके अंदर आपको डाइवर्जन को ढूंढना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, जहाँ पर जोन ड्रॉ किया वहाँ पर ही हम डाइवर्जन को ढूंढते हैं और वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। तो नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर वो चलता है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। और कौन से चार्ट के ऊपर, इंट्राडे के चार्ट के ऊपर, बड़े चार्ट के ऊपर तो कोई भी दिखाएगा, मैं आपको इंट्राडे के चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, एक नहीं 10 उदाहरण दिखाऊंगा दोस्तों और आपकी आंखें खुलेंगी। तो आपको इस बात का याद रखना है कि मंथली के ऊपर अगर जोन है तो नीचे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डाइवर्जन ढूंढना है और उसके बाद वो जोन चलने वाला है कि नहीं तय करना है, क्योंकि विदाउट डाइवर्जन के मार्केट नीचे नहीं गिरता है दोस्तों, आप क्रॉस चेक कर लो ओके। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, शादी यहाँ पर चल रही है और वहाँ पर खाना चल रहा है, हम क्या करते हैं कि चलो शादी होने के बाद खाना मिलेगा, लेकिन खाना भी नहीं होता और शादी चलती रहती है, तो ऐसा ही होता है सबके साथ। तो हमें क्या करना है, शादी हो रही है ना तो आजू बाजू में किधर खाना मिल रहा है क्या और वो खाना खाना है, वैसे कि हमें मंथली के चार्ट के ऊपर अगर डिमांड जोन दिख रहा है तो नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखना है कि चलो वहाँ पर कोई डाइवर्जन दिख रहा है या सप्लाई है तो कुछ निगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है क्या, इस तरीके से आपको सोचना है ओके। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है और ये पॉइंट अभी तक आपको मालूम नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ क्लियर करता हूँ। जिस टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आप ड्रॉ करते हो ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जन नहीं होता है, नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर डाइवर्जन होता है। और मैं वेबिनार के अंदर भी 10 बार बोलता हूँ, अगर आपका टाइम चेंज हो गया, आपका टाइम गलत हो गया तो आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा और आपको लॉस भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने कितना स्टडी किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने कौन से टाइम के ऊपर वहाँ पर एंट्री की है और आपका टाइम सही है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट के अंदर टाइम को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मंथली चार्ट के ऊपर
जोन ड्रॉ करना है अगर है तो, और उसके बाद आपको डेली के ऊपर डाइवर्जन देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये डाइवर्जन आपको मालूम है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, अगले वीडियो के अंदर वो भी कवर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मंथली और डेली का उदाहरण लिया है। ये मंथली का चार्ट है, निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है अभी फिलहाल चल रहा है, और ये डेली का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने डिमांड जोन को ड्रॉ किया। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सॉरी, अगर आप यहाँ पर निफ्टी को RSI के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो शादी चल रही है, डिमांड है, लेकिन डाइवर्जन नहीं है ना सर, तो फिर आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तो आपको खाना खाने के लिए नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर जाना है और वहाँ पर डाइवर्जन ढूंढना है, तो वहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डेली का डाइवर्जन आपको दिख रहा है, यहाँ पर डाइवर्जन है। डाइवर्जन क्या होता है आपको मालूम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। और डिमांड सप्लाई क्या होता है ये भी मान के चल रहा हूँ, आपको मालूम है। उसके बाद मैंने दोनों उदाहरण दिखाने की कोशिश की है, ये वीकली का चार्ट है और ये डेली का चार्ट है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिख रहा है कि वीकली के ऊपर सप्लाई है और डेली के ऊपर डाइवर्जन है, लेकिन आप ठीक तरीके से देखते हो तो डेली के ऊपर आपको डाइवर्जन, सॉरी, वीकली के ऊपर आपको डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हाइयर टाइम फ्रेम है। हाइयर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपको मालूम है, ऐसी आशा कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज करना है, आपको प्रीमियम वीडियो मिल जाएंगे डिमांड और सप्लाई के, ओके। वो यूनिक कोर्स है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और वो भी आपको फ्री में मिलने वाला है। उसके बाद निगेटिव डाइवर्जन और पॉजिटिव डाइवर्जन जो अभी हमने देखे, निगेटिव डाइवर्जन जब ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। निगेटिव डाइवर्जन जो हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो हम ऊपर से प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर से ही हम RSI के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें डाइवर्जन दिखाई दे। वैसे ही पॉजिटिव डाइवर्जन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ये पॉजिटिव डाइवर्जन जो है दोस्तों, जब होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है तब बनता है, क्योंकि मार्केट को अभी ऊपर जाना है, तो ट्रेंड लाइन हम नीचे से ड्रॉ करते हैं और RSI के भी नीचे से ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने, ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको मालूम होगा तो भी जरूरी था। उसके बाद ये दोनों डाइवर्जन हमने कवर कर लिए और वो डाइवर्जन के चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिए, आपको सबको मालूम है, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हिडन डाइवर्जन गिरते हुए मार्केट के अंदर बनता है। हिडन डाइवर्जन जब बनता है दोस्तों, वो ट्रेंड के अंदर बनता है, ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर बनता है, अप ट्रेंड के अंदर बनता है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, दोनों ट्रेंड के अंदर बनता है, साइडवेज मार्केट के अंदर कौन सा भी डाइवर्जन नहीं बनता, फिर से रिपीट कर देता हो। तो दोस्तों ये डाइवर्जन मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, और ये डाइवर्जन जब होता है दोस्तों, तो मार्केट कंटिन्यू गिरते रहता है या कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है। तो ये डाइवर्जन ट्रेंड कंटिन्यूशन डाइवर्जन है, और ऐसे डाइवर्जन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं इंट्राडे के अंदर, लेकिन आपने देखे नहीं होंगे। आशा कर रहा हूँ कि अभी आपको दिखाई देगा और मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। हिडन डाइवर्जन के ऊपर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें गिरते हुए मार्केट के अंदर ऊपर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ओके। क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो हम ऊपर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर हमें नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, RSI को भी और प्राइस को भी। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, ऐसी आशा कर रहा हूँ। और चलते फिर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर। ये आपका रियल टाइम चार्ट हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को भी ट्रेड करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर अच्छे खासे डाइवर्जन बने थे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का जोन ड्रॉ करते हैं। तो हम जाते हैं आवरली चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर कुछ मिलता है क्या नहीं। सबसे पहले हमें एक ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड देखने के बाद हमें वहाँ पर जोन को ड्रॉ करना है। आज हम ऐसे जोन ड्रॉ करेंगे जो टेस्टेड है, क्योंकि टेस्ट होने के बाद ही डाइवर्जन बनेगा और उसके बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड के अंदर हमें डाइवर्जन ढूंढना है। तो फिर ये अप ट्रेंड के अंदर, ये पूरा अप ट्रेंड है, यहाँ पर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पर है एक डिमांड, चलो हम 30 मिनट के ऊपर जाके देखते हैं। 30 मिनट के ऊपर आपको अच्छे खासे कैंडल देखने को मिलेगी और थोड़ा बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये देखो दोस्तों,
ये एक डिमांड है, लेकिन ये टेस्ट हो चुका है क्या? नहीं, प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चली गई है, लेकिन यहाँ पर एक डिमांड है। डिमांड की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, डिमांड सप्लाई कैसे मार्क करते हैं वो भी आपको मालूम है। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो टेस्टेड जोन है। ओके, ये भी बोरिंग कैंडल है इस तरीके से, ये टेस्टेड है। उसके बाद ये एक टेस्टेड जोन है, ये तीन बोरिंग कैंडल और उसके बाद ये। ओके, ये जोन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मालूम है, इसीलिए मैं सीधा आगे चल रहा हूँ। और कोई है यहाँ पर टेस्टेड जोन? यहाँ पर तो नहीं है, शायद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये जोन है। ओके, यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये जोन ड्रॉ किए है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्जन ढूंढने हैं, और हिडन डाइवर्जन के अंदर इमीडिएट हिडन डाइवर्जन भी होते हैं और इंटरमीडिएट हिडन डाइवर्जन भी होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, वो बताना भूल गया था मैं। तो उसके अंदर इमीडिएट और इंटरमीडिएट हिडन डाइवर्जन भी होते हैं, लेकिन मेन डाइवर्जन कौन से होते हैं? क्लासिकल और हिडन डाइवर्जन। तो ये हमारे डाइवर्जन अगर हमें ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढने हैं? तो यहाँ पर ये डिमांड आया और ये डिमांड के अंदर प्राइस आई, तो यहाँ पर हमें कोई अप ट्रेंड के अंदर कौन सा डाइवर्जन ढूंढना है दोस्तों, मैं फिर से आपको पीपीटी के ऊपर लेके जाता हूँ। ये अप ट्रेंड है, हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? नीचे से अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई लगना चाहिए, क्योंकि प्राइस और आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से प्राइस के साथ ही आरएसआई ने चलना चाहिए। यहाँ पर प्राइस के साथ आरएसआई चल रही है या नहीं वो देखते हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर मैंने चलो इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन को इधर से इस तरीके से ड्रॉ कर, सॉरी ये इधर से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इस ट्रेंड लाइन को। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, हिडन डाइवर्जन। और हिडन डाइवर्जन जब होता है दोस्तों, तब वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी होती है। ओके, और वो ट्रेंड लाइन अगर अच्छी है, अच्छी ट्रेंड लाइन कैसी होती है उसके वीडियो भी मैंने आपको वहां पर क्लियर किए हैं। तो ये हिडन डाइवर्जन आपका, सॉरी ये ट्रेंड लाइन आपकी। और आप इस चार्ट को, मतलब इस चार्ट को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं ना दोस्त, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चलो ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 30 मिनट के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे क्योंकि हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर वो जोन ड्रॉ करने हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट, अगर गलती से मैंने 30 की जगह 15 बोल दिया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टाइम फ्रेम, बातों बातों में हो जाता है कभी कभी, तो ये भी हो जाता है कि हायर हाई की जगह मैं गलती से लोअर लो बोल देता हूँ। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताते हैं कि सर आपने तो वहाँ पर लोअर लो बोला था, छोटी मोटी गलती हम माफ करना दोस्तों, क्योंकि आप ही गलती निकालने के लिए है और आप मेरी गलती दिखाते हैं और आप मैं गलती सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डाइवर्जन, हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जोन ड्रॉ किए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें डाइवर्जन देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी फिर से आगे के जोन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कोई डाइवर्जन दिख रहा है? तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बैठ रही है अच्छी तरह से। ओके, तो ये एक हमारा, ये हमारा ट्रेंड लाइन। ओके, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं और सिंपल तरीके से यहाँ पर पैसा बनता है और सिंपल तरीके से आपकी आंखें ट्रेन होती है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो दिमाग खराब हो जाता है और ना ही आप सीख पाते हो, मुझे मालूम है। तो ये हो गए आपके डाइवर्जन, तीन डाइवर्जन मिल गए। और ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी प्राइस ने लो कट किया है, दिख रहा है आपको? तो ये लो के नीचे है, मतलब प्राइस यहाँ पर प्राइस के साथ आरएसआई चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हिडन डाइवर्जन नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर और एक डाइवर्जन दिख रहा है दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था क्लासिकल डाइवर्जन,
तो ये आपका हाई और ये आपका लो। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है और RSI नीचे जा रहा है और अप ट्रेंड भी है, इसका मतलब ये क्लासिकल डाइवर्जन है। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ओके। इस तरीके से आपको ये डाइवर्जन देखने हैं दोस्तों। उसके बाद हम इमीडिएट डाइवर्जन देखते हैं। इमीडिएट डाइवर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इमीडिएट का मतलब ये होता है, एक हाई के बाद तुरंत दूसरा हाई। अभी ये जो डाइवर्जन हमने ड्रॉ किया ना सर, इसके अंदर एक हाई है उसके बाद दूसरा हाई, मतलब ये इमीडिएट डाइवर्जन नहीं है। तो हम इमीडिएट डाइवर्जन को देखते हैं, यहाँ पर है इमीडिएट डाइवर्जन, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कभी हम डाइवर्जन को ड्रॉ करेंगे ना दोस्तों, तो हमें लाइन चार्ट को देखना है। ये जोन की वजह से मैंने कैंडल का चार्ट लिया था, ताकि आप लोगों को मैं जोन भी ड्रॉ करके दिखाऊं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऊपर जा रही है, ये इमीडिएट डाइवर्जन है। अगर आप RSI का क्वाश देखते हो, यहाँ पर क्वाश दिख रहा होगा आपको, RSI लोअर लो लगा रहा है और प्राइस हायर हाई लगा रहा है, इसका मतलब ये भी एक इमीडिएट डाइवर्जन है, ओके। तो इस तरीके से आपको हिडन डाइवर्जन देखने हैं। और हिडन डाइवर्जन ये देखो, यहाँ पर भी है हिडन डाइवर्जन, ये भी वैल्यू कम है, तो यहाँ पर भी हिडन डाइवर्जन कौन सा है? इमीडिएट हिडन डाइवर्जन, ओके। इस तरीके से बहुत मिलेंगे दोस्तों, और इंट्राडे के अंदर इस तरीके से ये देखो, यहाँ पर भी है। इस तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, सीधा सीधा आंखों को दिख रहा है, ये इमीडिएट है। ये देखो, ये भी एक इमीडिएट डाइवर्जन है, छोटा सा है। और ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना दोस्तों, तो एक मिनट के चार्ट के ऊपर आपको बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है, बड़ा मुंह देखने को मिलता है, 50-100-150 पॉइंट का मुंह देखने को मिलता है। आप इस चार्ट को क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, मैं कैंडल का चार्ट फिर से लगाता हूँ, ताकि मुझे कोई जोन ड्रॉ करना है तो मुझे लाइन चार्ट के ऊपर में जाना पड़ेगा, कैंडल के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर ये साइडवेज मार्केट है, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, चलो यहाँ से। तो ये देखो, ये RSI ऊपर कर लेते हैं इसका, और ये RSI ऊपर करने के बाद अभी हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर क्या देखना है हमें? ऐसा जोन देखना है कि वहाँ पर सप्लाई भी है और RSI डाइवर्जन भी है। यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन RSI को ऊपर आना चाहिए। ऐसे डाइवर्जन को हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर प्राइस लोअर लो लगा रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हायर हाई, ये लो, और उसके बाद ये हाई, ओके। मतलब ये डाइवर्जन है। तो ये आपका पॉजिटिव हिडन डाइवर्जन, मतलब मार्केट गिर रहा है यहाँ पर, ओके, ये निगेटिव हिडन डाइवर्जन। तो ये आपका निगेटिव हिडन डाइवर्जन, ओके। उसके बाद RSI ने कभी अपना दूसरा हाई ब्रेक किया, ये देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर प्राइस भी ऊपर गई है RSI के साथ, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, प्राइस ने लोअर लो लगाया और प्राइस ने, यहाँ पर भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल इतना ही है, तो मुझे मेरे हिसाब से नहीं, नहीं, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ही डाइवर्जन देखने को मिला। मैं फिर से देखता हूँ पीछे, कुछ दिख रहा है? नहीं, नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं। हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ही देखना है ना सर।
इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मुझे एक ही डाइवर्जन देखने को मिला, और यहाँ पर एक क्लासिकल डाइवर्जन है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। ओके, नहीं आरएसआई ऊपर, यहाँ पर भी नहीं है, गलती से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, गलत है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लान रेडी करके नहीं आया था कि चलो आपको जो दिखाना है वो दिखा दूँ स्क्रीनशॉट के ऊपर, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन गिरते हुए मार्केट के अंदर होना चाहिए, फिलहाल नहीं है यहाँ पर। शायद नहीं है यहाँ पर भी, नहीं है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर है डाइवर्जन, प्राइस लोअर लो लगा रही है, छोटा सा डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद ये आपका हिडन डाइवर्जन, ये डाउन ट्रेंड का, इतने छोटे डाउन ट्रेंड का हिडन डाइवर्जन ये है। इस तरीके से आपको डाइवर्जन को ढूंढना है और वहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। हिडन डाइवर्जन के अंदर दो प्रकार के डाइवर्जन आते हैं, इंटरमीडिएट हिडन डाइवर्जन और इमीडिएट हिडन डाइवर्जन। तो बस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, यहाँ पर रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।